ग्वालियर में रूस की रहने वाली युवती को तंग करने का मामला सामने आया है। रूस की एक युवती 18 दिन से एमपी के ग्वालियर शहर में फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि युवती ने बार में अश्लील डांस करने से मना कर दिया था। उसे कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाने वाले ने उसका पासपोर्ट लौटाने से मना कर दिया है। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो तत्काल एक्शन लेते हुए बार संचालक को हवालात में बैठाकर विदेशी युवती का पासपोर्ट वापस दिलवाया है। दूतावास को जानकारी भी दे दी है। दरअसल रूस के क्रीमिया के रहने वाली युवती 24 अक्टूबर को रूस से दिल्ली आई थी। युवती को दिल्ली के एक युवक दीपू ने बार में डांस के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाया था। उसे ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित एक बार में डांस के लिए भेज दिया। उसका पासपोर्ट जमानत के तौर पर अपने पास रख लिया था। युवती जब ग्वालियर पहुंची तो बाद में उससे अश्लील डांस करने का दबाव डाला, अश्लील डांस करने से मना कर दिया, वापस रूस लौटने के लिए अपना पासपोर्ट मांगा, लेकिन बार संचालक और दीपू ने उसका पासपोर्ट लौटाने से मना कर दिया। 19 दिन ग्वालियर और दिल्ली भटकने के बाद युवती ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी पूरी घटना बताई, जहां तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने बार संचालक को थाना यूनिवर्सिटी में बैठा लिया और दिल्ली में बैठे दीपू के कब्जे से पासपोर्ट ग्वालियर मंगवाया और यूलिया को सौंपा। रशियन मूल की महिला, यूलिया नाम की महिला यहाँ काम करने के लिए आई हुई थी ग्वालियर। एक व्यक्ति उसको कुछ काम का पता कर लाया था, लेकिन काम नहीं मिला उसको यहाँ पर, और तो वो महिला यहाँ से वापस जाना चाहती थी, लेकिन जो व्यक्ति उसको लेकर आया था उसके पास उस महिला का पासपोर्ट था। तो चूँकि भाषा की बाध्यता थी, वो महिला की बात समझना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने एक दुभाषीय के माध्यम से उससे बातचीत की, और एक आम नागरिक जो उसको पुलिस के पास लेकर आए थे उनसे भी हमने पूछा कि ये महिला आगे क्या कार्यवाही चाहती थी। उसने बताया कि केवल वो अपना पासपोर्ट वापस चाहती थी, क्योंकि वो बालिग है, 35 वर्ष उसकी उम्र है। तो हमने आज उसका पासपोर्ट वापस करवा दिया है और वो महिला अपने देश वापस है।